दोस्त, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी बिहार के चंपारण जिले की है, जहां एक महिला रात के अंधेरे में ननंद को प्रेमी के साथ संबंध बनाते हुए देखकर बेकाबू हो गई। उसके बाद जो हुआ आपको देख लो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए पूरी कहानी विस्तार से बताती हूँ। दोस्तों, यहाँ प्रिया नाम की लड़की अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। इस बीच उसकी मामा के ही गांव के रहने वाले ब्रजेश नाम के लड़के से जान पहचान बन गई और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। जब दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ा तो दोनों को जिस्म की भूख सताने लगी। लिहाजा दोनों एक दिन मौका देखकर गांव के बाहर झाड़ियों में आकर अपने जिस्म की भूख को पूरा कर लिया, जिसके बाद अब आए दिन प्रिया शाम कुछ सिवानी जाने के बहाने अपने प्रेमी ब्रजेश को झाड़ियों में बुलाकर उसके साथ मजे से शारीरिक संबंध बनाने लगी थी। क्योंकि वह उसके गठीले बदन की दीवानी हो चुकी थी, इसलिए वह आए दिन परिवार वालों की चोरी छुपे प्रेमी ब्रजेश के साथ नाजायज संबंध स्थापित करने में लगी हुई थी। एक शाम की बात है, हर बार की तरह जब प्रिया नहा धोकर तैयार हो रही थी अपने प्रेमी से मिलने जाने के लिए, तभी उसकी मामी की पत्नी यानी उसकी भाभी को कुछ शक हो गया और वह तुरंत उसे अपने पास बुलाई और कहने लगी, क्या बात है प्रिया, जो आजकल तुम बहुत बदली सी लग रही हो, कहीं किसी से अफेयर तो नहीं शुरू हो गई? तो वह कहने लगी, क्या भाभी जी, आप भी मुझ पर शक कर रही हो? अगर ऐसी कोई बात होती तो भले मैं आपसे छिपाती। ये कहकर प्रिया पानी से भरा डब्बा उठाई और तुरंत अपने प्रेमी ब्रजेश से मिलने के लिए झाड़ियों में पहुँच गयी तो देखी प्रेमी ब्रजेश वहाँ पर हमारा इंतजार कर रहा है। फिर क्या था, हर बार की तरह दोनों वहीं पर अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। इधर प्रिया की भाभी में ना मन ही मन सोचने लगी कि कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो प्रिया हर रोज इतनी समय तैयार होकर सिवानी जा रही है। ये सोचकर प्रिया की भाभी मैना भी पीछे पीछे सिवान जाने के बहाने गांव के बाहर झाड़ियों में पहुँच गयी और अपनी ननंद को प्रेमी के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया। इधर जैसे ही प्रिया की भाभी मैना प्रिया को प्रेमी के साथ कुछ देर तक आपत्तिजनक हालत में देखी तो उसकी भी जवानी उफान मारने लगी और वह बेकाबू हो गई। क्योंकि उसका पति कई महीनों से प्रदेश में था, इसलिए वह कुछ नहीं बोली और दबे पांव वहीं पर पहुंच गई जहां दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। अब इधर जैसे ही प्रिया की निगाह अपनी मामी की पत्नी यानी भाभी पर पड़ी तो वह डर गई और वहां से वापस घर चली आई, जिसके बाद ब्रजेश कुमार अपनी प्रेमिका की भाभी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो भाभी, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। यह सुनते ही प्रिया की भाभी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोली, तुम टेंशन मत लो, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी, बस जो काम तुम मेरी ननंद के साथ कर रहे थे अब वही सब काम तुझे मेरे साथ करना होगा। जैसे ही इस तरह की बातें ब्रजेश कुमार अपनी प्रेमिका की भाभी के मुँह से सुना तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ और तुरंत देर ना करते हुए हाँ बोल दिया, जिसके बाद उस शाम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया। अब ब्रजेश कुमार अपनी प्रेमिका और उसकी भौजाई दोनों का ठुकाई ऑपरेटर बन चुका था और दोनों को बारी बारी से झाड़ियों में बुलाकर उनकी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने में लगा हुआ था। मगर एक दिन की बात है, जब प्रिया की भाभी किसी कारणवश प्रिया के प्रेमी ब्रजेश से नहीं मिल पाई तो उसे फोन लगाकर रात के अंधेरे में घर आने का निवेदन दे डाली। अब इधर धीरे धीरे समय बीतता गया और रात हो गई। परिवार के सभी लोग खाना पानी खाकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गए तो प्रेमी ब्रजेश कुमार पीछे की दौड़ से प्रिया की भाभी से मिलने के लिए उसके रूम में आ गया और उसके साथ अवैध संबंध बनाने लगा। तभी अचानक प्रिया की मामी की आँख खुल गयी और जवान बहू को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। बहू को प्रेमी के साथ इस अवस्था में देख कर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और तुरंत बहू और प्रेमी दोनों को डांटने लगी। डांटने की आवाज सुनकर उसके पति यानी प्रिया के मामा वहां पर पहुंच गए और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रेमी ब्रजेश को अपने साथ थाने ले गई। तो देखा दोस्तों, आपने आजकल समाज में इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनने को मिल रही है, इसलिए आप अपराधी मानसिकता को समझें और सतर्क रहें।